Hello everyone, welcome back to the my channel Simple and Real Blog with Riyans. Good morning, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग ये दोनों से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दोनों रेडी होकर के बैठे हुए हैं और हम लोग आज कहीं बाहर जाने वाले हैं। आज है 11 जून तो है आज कुछ स्पेशल, तो हम लोग यहाँ पे रेडी होकर के बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर जाएंगे। तो हम लोग ना कोरोना की वजह से मतलब 3 महीनों से घर ही में हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं, तो हम लोग 3 महीने बाद बाहर निकलने वाले हैं और आज का डे भी कुछ स्पेशल है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसी का सेकंड पार्ट भी आएगा तो मैं उसमें सारे बता दूंगी, इस वीडियो के बाद ही आएगा तो उसमें क्यों क्या सारे कुछ उसमें बताऊँगी। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गए हैं और मैं यहाँ पर इनको बोल रहे थे कि आज हम लोग का मैचिंग है, तो बस अब चलिए आप लोगों को भी दिखलाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को भी पूरा देखिएगा ताकि मैं उसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगी। तो बस अब हम लोग गाँव से मतलब घर से निकल रहे हैं, तो ये गाँव का है, अभी तक गाँव से अभी तक निकले नहीं है। तो देखिए गाँव का वातावरण कितना अच्छा है, इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, पूरी साफ़ सुथरी और पूरी जंगल घने आबादी वाले इस एरिया में सबसे ज़्यादा झारखंड में यही इस वजह से ही ये फेमस है कि घने आबादी वाले जंगल, घने आबादी वाला है ये और पॉपुलेशन भी है उसी तरह का, यहाँ पे जंगलों का भी बहुत ज़्यादा ही है। तो इस देखिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों को इसमें दिखलाऊंगी कि 3 महीने बाद मतलब अभी भी कोरोना का क्या इफ़ेक्ट है, किस तरह से है, वो मैं सारे पूरे टाउन में जाकर के दिखलाऊंगी कि टाउन का हाल क्या है अभी कोरोना में, किस तरह से चल रहा है, तो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में क्यों जा रहे हैं आज हम लोग, आज के दिन में कोरोना है अभी तो पूरी तरह से खुली भी नहीं, फिर भी हम लोग जा रहे हैं दोनों बच्चों को लेकर के, वो सारी चीज़ें उसी वीडियो में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी पूरा देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। ये देखिए हम लोग बस अब टाउन में पहुंच गए हैं, तो देखिए ज़्यादातर दुकानें बंद है, कुछ कुछ दुकानें खुले हुए हैं, मतलब कपड़े वपड़े की दुकान बंद है, बाकी जितना जनरल है वो सारी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, गाड़ी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज इतने अच्छे से पार हो रहा है, फिर भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, देख सकते हैं आप सब भी, सब मास्क लगा के घूम रहे हैं और अभी भी लोग रास्ते पर दिख रहे हैं, मुझे तो लगा था कि नहीं दिखेंगे लेकिन है, फिर भी भीड़ भड़ाका तो है ही। तो यहाँ पे किट्टू भी ढेर सारा मस्ती कर रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ज़्यादातर दिव्यांशी वो बहुत घूमने में तेज़ है, वो घूमना उसको बहुत पसंद है, पूरी घूमती रहती है। तो अब देखिए अब बच्चों की जिद से हम लोग कैफेटेरिया आ गए हैं, तो अभी बस हम लोग पहुँच गए हैं कैफेटेरिया में, तो यहाँ भी ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। इसका तो कहना था कि नहीं झूला वगैरह भी झूलना, लेकिन अभी पार्क बंद है तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो बस हम लोग यहाँ पे झील के पास बैठे हुए थे। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहता है लेकिन अभी कुछ भी भीड़ नहीं है, यहाँ पे दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, सवेरे भी और शाम में भी, तो शाम में अधिकतर भीड़ रहती है, हम लोग भी शाम में यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, तो अभी पूरा खाली खाली से था, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, उसे आइसक्रीम खाना था तो वो खा ली, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो सोची कि उसे थोड़ा घुमा उमा भी दे, बहुत दिनों से वो बाहर नहीं निकली है, वो तो बोट वोट में सब में जाने के लिए थी रेडी, लेकिन कुछ अभी स्टार्ट नहीं था, सारा बंद था। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का इफ़ेक्ट है कोरोना का, ये पूरे रास्ते पूरे भीड़ रहते थे लेकिन पूरा खाली है, तो इस तरह से ये हाल है टाउन का। गांव में तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता है गांव में कि कुछ हुआ है, बंदी है वगैरह कुछ भी नहीं, पर यहाँ पे तो पता चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ भड़ाका थी, मतलब लोग आ जा रहे थे रास्ते में, ऐसे थोड़ा बहुत अभी छूट हो गया है उसी में। तो यहाँ देखिए दिव्यांशी का जिद था कि वो आइसक्रीम खाएगी, तो यहाँ पर हम लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे, तो किट्टू भी ठंडा ठंडा था तो हम उसको दे नहीं रहे थे, लेकिन वो तो पूरा जिद्दी करके ले रहा था, तो उसी में मेरे साथ ही थोड़ा थोड़ा सा वो खा रहा था, तो ये पूरा अपना मुंह पूरा गंदा कर रखा है। यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, खूब सारा मस्ती करता है किट्टू। और मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊँगी, ये झील है और इसी बगल में पार्क है, इसके अपोजिट साइड में वो बच्चों बहुत ये वहाँ पर बहुत जाती है वहाँ पर झूला वूला झूलने के लिए, तो जब यहाँ हम लोग रहते हैं
तब हमेशा इसे वीकली या वीक में टू टाइम्स इसे ले करके आते हैं, नहीं तो ये हम लोग को बहुत परेशान करती है, पर अभी यहाँ पे है नहीं। लेकिन जैसे ये आ गई तो बोली कि नहीं पार्क जाना है, और फिर हम लोग को यहाँ पे इसे लेके आना पड़ा। तो घूमना भी चाह रही थी लेकिन नहीं हो सका। तो अब हम लोग घर आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले करके आए हैं। तो मिठाई वगैरह जितनी भी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी कर लिए थे, और क्या क्या शॉपिंग की वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। अब पूरा देखिएगा इस वीडियो को भी और उस वीडियो को भी, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए केक है, मिठाई है, तो ये सब क्यों है, क्या है आज का डे, तो ये सारे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे केक कटिंग होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बच्चे लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए ये लोग कपड़े नहीं पहने हैं, बस गंजी में हैं। तो यहाँ पे किट्टू को भी लेकर के आ गए हैं, यहाँ पे सब हम लोग आ कर के फ्रेश हो गए थे। तो ये लोग बोले कि गर्मी लग रहा है तो ये लोग फिर पहने नहीं कपड़े, गर्मी क्या है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए दिव्यांशी आ गई है केक कटिंग करने के लिए, उसे केक कट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे केक कट कर रही है, फिर यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है कुछ चीज़, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबों का बहुत सारा सपोर्ट है जो कि मेरा अभी इतना आगे बढ़ रहा है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मैं अपने टारगेट तक पहुंच सकूं। और आप लोग इतना सपोर्ट किए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए आगे भी। कुछ दिनों से कुछ अच्छे ही आ रहे हैं सारे व्यूज़ भी और सारे, तो बस इसी तरह का मेरे पे प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जब मेरा टारगेट पूरा होने के बाद फिर से आप लोगों के साथ ये केक कटिंग होगी, तो इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ और आप सब भी वेट कर रहे होंगे मुझे पता है। तो यहाँ पे हम लोग केक कट कर लिए हैं, एक दूसरे को खिला भी लिए हैं, और यहाँ पे मैं सब ये दिव्यांशी अपनी दादी को दे रही है अभी एक एक करके सबको। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोनों जन बड़े लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। तो दिव्यांशी को भी बोला जा रहा था पर वो नहीं की। तो ये सारे कुछ हम लोग मार्केट से लेके आए थे, मुझे लगा था सब घर में बनाना पड़ेगा केक मिठाई, लेकिन मार्केट गई थी तो खुला था, तो बस मैं ले ली। और यहाँ पे सबको मैं सर्व कर दूँगी, सबको प्लेट में निकाल निकाल के। तो बस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, और यही था मेरा आज का वीडियो। फिर होने के बाद केक कटिंग वगैरह होने के बाद फिर मैं शाम में मतलब फ्रेश हो करके घर का काम वाम करके फिर मैं रात में खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो रात का खाना में सैलड मतलब खीरा था बस, और इसमें देखिए सफल मटर आलू की सब्जी और खीर और पूरी बनाई थी। तो मेरी वीडियो यहीं तक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।